2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन बस इस एक बात पर निर्भर करेगा और केवल इसी बात पर, आप इसको कैसे लेते हो या फिर क्या करते हो मैटर नहीं करता है। और आने वाले समय में क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए यह बात लागू हो जाएगी। अभी इस लागू होने के कारण मैं 6 बजे शाम में सो गया था, सोच रहा था कि आज सवेरे वीडियो बनाऊंगा, पूरा दिन कॉपी चेक करता रहा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे देना है 7th से 8th जो भी डेट डिसाइड होगा अक्टूबर को। तो क्या कौन सी बातें कही गई हैं, सीधे सीधे कहा गया है, मैं कल तक यदि हो सका तो प्रूफ दिखला दूंगा, पहले कॉपी चेक कर लेनी है क्योंकि मंडे को ये रिपोर्ट भी देने की कितने कॉपी चेक हुए और कितने स्टूडेंट के क्या सारे डिटेल आए। CISE ने जो बोली है और स्टूडेंट को यह बात अच्छी तरह से जान लेनी है, स्टूडेंट को क्यों जान लेनी है, प्रत्येक टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ पूरी तरह से ट्रेंड होना है और स्टूडेंट को उसके कॉपी के चेकिंग में जिस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन है उस पर मार्क्स देने हैं। अब ये आंसर का प्रेजेंटेशन क्या कहता है, आंसर का प्रेजेंटेशन कहता है, सपोज कीजिए मैं इस बुक की मदद ले लेता हूँ कि एक एक क्वेश्चन है और उसके ये आंसर है, किसी एक क्वेश्चन के ये आंसर हो गए, तो ये जो आंसर दिए गए हैं क्या ये आंसर उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो स्टूडेंट ने आंसर को इवन साइंस सब्जेक्ट में पहले सोशल स्टडीज पॉइंट वाइज आंसर देते हुए, किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट पर पॉइंट आउट किया है, बताया है अप टू द मार्क, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 and 1 मार्क्स, इवन 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपके इंट्रो पर चले जाएंगे, 1 मार्क्स फर्स्ट पॉइंट, 1 मार्क्स सेकेंड पॉइंट, और इसी तरह से अगर 4 पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं तो 4 पॉइंट पर मार्क्स देने के प्रोविजन है। अब मार्क्स में CISE ने ये भी कहा है टीचरों को कि ऐसे टीचर को रखे जाए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अभी सिलेक्शन होना बाकी है, जिनमें कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस के साथ साथ समझ हो, और उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को यह बोला जा रहा है कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के आपको भी रिपोर्ट कार्ड दिखलाए जाएंगे, कॉपी भी दिखलाए जाएंगे, तो बताए जाएंगे कि किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो आपने आंसर को वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं, मान लिया जाए हाइट एंड डिस्टेंस के हो गए, तो वहां पर वे डिटेल्स आंसर विद फिगर, या बायोलॉजी में ISCSE एंड ISCE दोनों के डायग्राम के सही लेबलिंग के साथ साथ उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी दे दी गई है। अच्छी जानकारी से यहाँ मतलब है कि क्वेश्चंस के पास यदि क्वेश्चंस में कोई बातें इस तरह से स्पेसिफाई है तो उसको अंडरलाइन किया गया या स्पेसिफाई किया गया कि नहीं किया गया, अगर किया गया है दैट इज गुड, तब तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अगर नहीं है तो आपके मार्क्स काट लेने के पूरे चांसेज रहेंगे। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कहा गया है कि ये प्रोसेस अगले साल इन 2025 से क्लास 8 ऑनवर्ड लागू कर दिए जाएंगे, और अभी इस बार 9th, 10th, 11th, 12th के लिए कंपल्सरली है, हम ही लोग को दे दिया गया है, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की सुपरवाइजिंग भी करनी है, वो भी आ गया है, और इसके लिए मैं आपको रिपोर्ट दिखलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है, और उसके लिए 25 आवर का इंटरनल एक टीचर के लिए कॉम्प्लिकेशन है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्टूडेंट के बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पर इंग्लिश पेपर को लेकर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट ने अगर 350 वर्ड्स में से 320 या 10 वर्ड्स भी लिखा है, इट डजेंट इवन मैटर, उसका फ्लो कैसा है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, और मोर ओवर इन सबसे बढ़कर किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट किया है, यानी कुल मिला के आंसर प्रेजेंटेशन डज मैटर फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये सभी सब्जेक्ट पर लागू होते हैं कि आपके आंसर पॉइंट वाइज है, हाईलाइटेड है, जो पूछे गए हैं उस आंसर को सेटिस्फाई करने, तो आप इसकी प्रैक्टिस जम के कीजिए, क्योंकि ये है अभी मैंने भी काटा है और इसी पॉइंट पर और इसी को हाईलाइट किया गया, क्योंकि टीचर अपने टीचर का इवैल्यूएशन नंबर डालेंगे कॉपी में, अभी केवल एक स्लिप पर लिख के रखना है और देना है, और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी बनानी है, फर्स्ट पेज पर सिग्नेचर करने हैं टीचर को, लास्ट पेज पर सिग्नेचर करने हैं, टोटल मार्क्स जो अचीव्ड हुए, कितने आंसर उसने अटेम्प्ट किए स्टूडेंट ने और कितने मार्क्स मिले, उसको भी लास्ट में सर्किल करके लिखना है, और किसी एक क्वेश्चन के आंसर सपोज कीजिए एक मैं क्वेश्चन ले लूँ और उसके बाद डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर पर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर है। हाँ,
ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर डिटेल लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर अगर आप आंसर देख लेते हैं आंसर नंबर 7, यहाँ पर इसको 4 पॉइंट में दिया गया है। अगर 4 पॉइंट में इसको दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 को, तो यहाँ पर अगर किसी तरह से मिसिंग है या कोई मिस्टेक्स है तो आपको बताने होंगे कि कौन से मिस्टेक्स किए, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स काटने से पहले भी टीचर को अवेयर रहना। तो ये बातें बताई गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। बाय फॉर नाउ।